क्योंकि इसमें शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। वीकेंड के वार में एक बार फिर से निमृत कौर आहलूवालिया ने कर दिया है प्रियंका चहार चौधरी को टारगेट। क्या निमृत टारगेट करेगी? क्योंकि कुछ दिन की पहले की बातें ऐसी ही हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा ही होगा। हालांकि अगर ऐसा होगा तो फिर तो ठीक है, पर पीठ पीछे कुछ और, जब मुंह पे आए कुछ और, तो ये दो दो फेस जो है वो आज ही शाम को दिख जाएंगे। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये पूरी लेटेस्ट अपडेट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ दिन पहले जो है मैंने आप तक अपडेट पहुंचाई भी थी कि अर्चना जो है प्रियंका के बारे में निमृत के साथ बात कर रही थी कि ये बोलती है कि तेरी लाइफ में आटा दाल चावल ही थोड़ी ना रह गए हैं, कि भाई तू और भी कुछ सोच, कि मेरे साथ प्रियंका बहुत मीठी बन रही है, पता नहीं ये ऐसा कैमरा के लिए कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है। तो वहां पर जो है निमृत बोलती है कि ये फेक नैरेटिव जो है वो क्रिएट करती है, हर जगह पर कुछ ना कुछ चीजें करती है और काफी ज्यादा महान बनती है। यहाँ पर अभी बिग बॉस ने पूछ लिया है कि भाई आपकी नजर में इस घर में बेकार बातें जो है, फेक नैरेटिव कौन फैलाता है। जहां पर जो है शालिन का नाम प्रियंका ने लिया, अर्चना ने जो है टीना का नाम लिया, सुम्बुल ने जो है टीना का नाम लिया, और शालिन ने जो है स्टैन के बारे में जो टीना के साथ कन्वर्सेशन हुई है उसका पर्दाफाश कर दिया, टीना के होश उड़ गए। वहीं पर जो है ये सब चीजें हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें ये पीठ पीछे बोल रही हैं आजकल निमृत, प्रियंका ये प्रियंका वो, महान देवी ऐसा वैसा, तो ऑफकोर्स निमृत को लगता है कि फेक नैरेटिव जो है और नेगेटिव बातें जो है वो घर घर में जाके जो है हर कोने में जाके प्रियंका फैलाती है, जबकि ये बातें जो है फैला रही है निमृत। तो अभी बिग बॉस ने पूछा है, तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि भाई निमृत ने जो है प्रियंका का ही नाम लिया है, पर प्रियंका ने जो है शालिन का नाम लिया है। क्या आपको लगता है कि भाई निमृत जो है वो प्रियंका का ही नाम लेगी? क्या है आपके विचार? भाई मैं तो 95% उससे भी ज्यादा जो है कन्फर्म हूं, बट फिर भी गलत चीजें हो सकती है, पर आपके क्या विचार है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।